तो हे गाइस, वेलकम बैक रैम सिमुलेशन के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक कस्टमाइज घर बनाया था जो कि थोड़ा बहुत अभी रह चुका है उसमें काम, तो उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। और ये नया एंगल कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना। सो लेट्स गो इनटू द गेम प्ले। यहां पे अंदर ना ही कोई अब बॉक्सेस रखे है, ना ही कुछ रखा हुआ है, पूरा का पूरा मैं खाली कर चुका हूँ। किचन खाली पड़ा हुआ है, कोई टिकट वाली बात नहीं है, एंड अंदर भी कुछ नहीं है, तो ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसको अपने को अब डेमोलिश करना है, दैट्स इट। इसका काम अब खत्म हो चुका है। और यहाँ पे भी यहाँ पे लोग पड़ चुके हैं, बट कोई बात नहीं। एंड ये पिक्स का तो भाई तुम लोगों ने बोला कि इसका ग्रीनरी तोड़ दो, जहां से इनको फूड मिलता है इसको तोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। बट मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ग्रीनरी पूरा का पूरा फीड है। यस, पूरा का पूरा फीड है। तो ये तो वो चीज नहीं हो सकता, ये वो रीजन नहीं हो सकता जिससे कि इनको खाना मिल रहा हो। खाना का बोल सकते हो कि इनको जो खाना मिल रहा है ना, वो मिल रहा है इस जगह से। यस, इस वाले फीडर से मिल रहा है। तो मेरे को बकरियों का फीडर दूर करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत तगड़े पैसे देने वाले हैं। फिलहाल तो क्या है, ये जो मेल है ना, इनकी जरूरत है नहीं मेरे को, ये सिर्फ खा खा के बस बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये एक समय के बाद मर भी जाते हैं, देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी मरे पड़े हैं क्योंकि इनको खाना नहीं मिल रहा है। फिलहाल तो जिनको खाना मिल रहा है तो उनको तो टेंशन नहीं है, जिनको नहीं मिल रहा ना वो खत्म हो जा रहे। तो एक काम करते ना, इनको साइड कर देते। यार घर का काम तो बचा हुआ है अभी, बट कोई बात नहीं, चलता है, इसको भी करना जरूरी है। तो पहले काम करते इन सबको अपन एक साइड कर देते, क्योंकि साइड में रहेंगे ना तो ग्लिच खा के जितने भी सुअर है ना बाहर हो जाएंगे। और जितने हैं ये तो ऑटोमेटिक मर जाएंगे यार, टेंशन नहीं है, इनका कुछ लोड वोड नहीं है मेरे को। हाँ, लेकिन बकरियों का जो तादाद है ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एक समय के बाद ये मेरे को तकलीफ देने वाले हैं। यस, आप लोगों ने सही सुना, क्योंकि एक समय बाद ये गेम लैग करवा ही देंगे। हालांकि देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, लेकिन भीड़ इधर क्यों, मैंने तो गेट बंद रखा है। पता नहीं क्या कहानी है, कुछ होगा उनको कुछ दिख रहा होगा बाहर कुछ, कि मैं काम कैसा कर रहा हूँ कैसा। और ये रहा हमारा वो घर जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया। अभी भी थोड़ी थोड़ी चीजें बची है, पता है लाइटिंग वाइटिंग अभी बची हुई है, तो थोड़ी सी लाइटिंग में कर देता हूँ, एंड पेंट वेंट का भी काम बचा है। बट ये बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हो यही कलर अपन करने वाले हैं। तो चलो आज इसको फुलफिल किया जाए। उससे पहले काम करते ना, उधर वाले फीडर भी हम चेक कर लेते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी हम गेम में आते हैं सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम खाना जरूर चेक करते हैं, नहीं तो हमारे जो जानवर है वो मर जाएंगे तो फिर क्या ही मतलब, क्योंकि इसी से तो हमारी अर्निंग है, हमको 1 मिलियन तक पहुंचना है। एंड राइट नाउ वी हैव अराउंड 7,77,000 डॉलर्स। और अब यहाँ पे जो लैग हो रहा है ये हो रहा है इनके कारण, किनके कारण, मुर्गियों के कारण। तो अब इनको भी शिफ्ट करना, दिखाओ तुमको क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आतंक। इसको नेक्स्ट एपिसोड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे मुर्गियां हैं और बहुत सारे अंडे हैं। यार ये तो भाई मैं पागल हो जाऊंगा। हालांकि याले में कम है, बट लास्ट के दो में तो बहुत ज्यादा है। अब ये मेरे को है ना नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम करना, क्रिएट करना चालू कर देंगे। चलो अभी तो उस पर अपन फोकस नहीं करते, पहले तो अपने घर को कम्प्लीट करते, जहाँ पे अपना काम बहुत सारा पेंडिंग बचा हुआ है तो उसको अपने कम्प्लीट कर। बट लुक वाइज तो बहुत अच्छा है, मतलब मैं एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा टर्न होगा, बट इट इज गुड। चलो इधर भी लाइट लगा देते। अब मेरे को है ना मेटल्स ले लेके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह मेरे को लाइट प्रोवाइड करनी है। चलो गाइस, यहाँ पे एक मिनट, एक जगह है ना मैंने लास्ट टाइम लाइट नहीं लगाई थी, वो मैंने बाद में जब थंबनेल के लिए मैंने फोटो क्लिक किया ना तब मेरे को दिखा। एक दिक्कत आ रही है मेरे को, क्या है कि पेंट के लिए इतने ऊपर मैं क्या करूँ, या तो फिर मेरे को है ना ट्रक व्रक लाना पड़ेगा। कहा गया, हाँ ये रह गया था, चलो ये भी लगा देते। हाँ, ट्रक व्रक लाना पड़ेगा पेंट के लिए, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मतलब बाहर वाले हिस्से को मैं पेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक कंसर्न है जो अभी इस गेम में मैं फेस कर रहा हूँ फिलहाल तो। बट एनीवेज वो तो कर देंगे अभी, फटाफट से अपन क्या है घर के अंदर की लाइटिंग चालू कर देते हैं। नीचे की लाइटिंग तो शायद कंप्लीट हो चुकी है। हाँ नीचे ठीक है, दो लाइट मोर देन इनफ है, और यहाँ पे भी मैं दो लाइट लगा देता हूँ फटाफट से। एक काम करते हैं, लाइट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी अपन कर देंगे इसको। और यहाँ से भी अपन ले लेते हैं लाइट्स, लगा देता हूँ, रुक जाओ भाई, यहाँ पे मेरे को रोटेट करके लगाना पड़ेगा, या तो सेम ही रखते हो ना सब जगह ऊपर भी, जैसे घर में होता है ना सीलिंग पे लाइट्स, वैसे मैं लगा देता हूँ, एक लाइट यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे, दैट्स इट। गाइस यहाँ पे भी चलते हैं, ऊपर वाले फ्लोर सब जगह मैं रेडी करके रख दूँ, उसके बाद अपन देखते क्या करना है। नीचे में तो भाई बेड आएगा थोड़ा बहुत, अगर हॉल का मैंने करा तो करा, बट उसमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, पता है ये रैंच वाले ने पता नहीं क्या करके रखा, थोड़े बहुत तो देनी चाहिए, मतलब जिसमें अपन एटलीस्ट थोड़ा सा अपन डेकोरेशन कर पाए। डेकोरेशन के नाम में भाई कुछ नहीं है। और ये अपना वाला सबसे मेन जहाँ से अपना टेरेस है ना, टेरेस में भी लाइट होनी चाहिए। इसको लगाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ये दोनों भी स्टार्ट कर देते हैं लाइट, और ऊपर भी चलते हैं, इसको भी रेडी कर देते। अब है पेंटिंग का काम, ब्लू वाला जो है ना उसको मेरे को है ना ऊपर बनाना है, मतलब
सीलिंग के लिए मेरे को ब्लू करना है। जब इतने ऊपर आ रहे हैं तो मेरे को एक जगह लाइट कम दिख रहा है, अब वो लाइट बताओ कहाँ पर कम दिख रहा है, बाकी सब तो ठीक है। वो है मेरे इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे भी तो लाइट होना चाहिए ना, एक लाइट यहाँ पे भी होना चाहिए, तो एक लाइट इधर लगा देते है, जहाँ पे थोड़ा सा एरिया है ना विंडो के पास वहां पे लगा देते, जैसे यहाँ पे लगा देते बस दो ही लगेगा, अरे दो ही लगेगा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से इसमें मेटल लगा देते, एक एक मेटल लगेगा और थोड़ा सा वुड लगे बाद में, चलो यहाँ पे काम तो आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़े से मेरे को चाहिए प्लैंक्स शायद ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मैंने यहाँ पे रखे हुए, यहाँ रखे कि इसके ऊपर वाले में रखे, तो जाओ देखने दो, कहीं तो प्लैंक रखा के यहाँ पे प्लैंक रखे इसलिए है कि कभी काम पड़े तो काम हो जाए। चलो गाइस फाइनली लाइट्स पूरी हो चुकी है एंड देखते बाहर से कैसा है इसका लुक आता है, यहाँ पे लाइट चालू की नहीं की, रुक जाओ इधर भी लाइट चालू कर देते, लुक वाइज अच्छा आना चाहिए। अब मेरे को है ना पता पेंट के लिए ना ट्रक लाना पड़ेगा। चलो गाइस ये भी हो चुका है, इसको कंप्लीट करते हैं, बट मेरे को टेंशन होने लगी यार फिर से लैग ना स्टार्ट हो जाए, भाई सुअरों से लैग खत्म हुआ और अब जो लैग चालू हो रहा है वो हो रहा है मुर्गियों से। अब बताओ कैसा लग रहा है, यहाँ से थोड़ा लाइट चालू कर देता हूँ, एक इधर ये लाइट चालू कर देते हैं, देखो अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पर लाइट नहीं लगाया गाइस, रुक जाओ फर्स्ट फ्लोर पर मैंने लाइट नहीं लगाया, मैंने सब जगह लाइट लगा दिया, फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में लाइट नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, चलो यहाँ पे लगा देते, ये गलती कैसी हो गई मेरे से, ये चीज छूटनी नहीं चाहिए मेरे से भाई, तो परफेक्शन से काम चल रहा है तो लाइट तो छूटनी नहीं चाहिए। काम करते पीछे भी रेडी कर ही देते, यहाँ पे मेरे को दो चाहिए, एक और एक इस कोने में दो और एक इधर, जिससे क्या बाहर से लुक अच्छा आना चाहिए, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एक ट्यूबलाइट लगा देते हैं, भाई ट्यूबलाइट तो इतनी है बट यहाँ पे करंट आ कहाँ से रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इधर करंट आ कहाँ से रहा है ना, हमने ऐसा कुछ कर, रुक जाओ यार जिसका जो मेटल कम है ना उसको ले जाता हूँ क्या, जब ओके मैं ज्यादा ही ऊपर रह जाता हूँ इस कारण से है ना, पता है मेरे से गड़बड़ हो रही है। अरे भाई तू एक जगह रहना कैसा है भाई। चलो गाइस इसको भी कंप्लीट कर देते फटाफट से और चलते हैं फिर पुताई का काम करने के लिए। करने के लिए जाऊंगा कैसे, यहाँ पे तो बारिश हो रही है और रात भी हो रही है। चलो कोई नहीं जितना भी हो चलता है। अब मेरे को ना मुर्गियों को सोच रहा हूँ ना बेचते हुए चले गया, लग गया थोड़ा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट अपना काम कंप्लीट तो हो जाएगा। मेटल मैं क्या सोच रहा हूँ ना मेटल नीचे ही रख देते हैं, मेटल वेटल सब कुछ अभी फिलहाल तो नीचे ही रख देते हैं, यहाँ पे रख देते क्योंकि काम आएगा बाद में। सो गाइस ये तो अपन बंद कर देते, यहाँ पे क्या लगेगा वुड लगेंगे ना, रुक जाओ वुड लेकर आता हूँ, वुड तो मेरे पास रखे हुए यार, क्या बात कर रहे हो यार, वुड एक मिनट, यहाँ पे कुछ वुड रखे हुए ना, ये एक रखा हुआ, एक काम करता हूँ नीचे रख देता हूँ फिलहाल के लिए और इसको अपन जाके लगा देंगे और ऊपर चलते हैं एंड ऊपर जाके भी कुछ प्लैंक्स के ये ले चलते हैं, तो चार तो इसी में आ जाएंगे यार, बट वो सिंगल वाले को मैं पहले सोच रहा हूँ सिंगल वाले को खत्म करा जाए। चलो एक काम करते हैं सिंगल वाले को लेते हैं यहाँ लगा देते हैं एंड उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन करें। ओके गाइस ये हो चुका है विला, दैट्स इट एक्सेप्टेड, ये हमारा हैंक विला हो चुका है, बट बाहर से देखो कितना प्यारा है भाई, ये घूस बम डाल देता मेरे भाई, क्या प्यारा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है गाइस बताना मेरे को। चलो गाइस अब अपन जाके सोते हैं एंड सुबह उठ के इसको पेंट करते हैं, इसको भी कल तोड़ना है मेरे को, तो उठ के तोड़ेंगे अभी नहीं तोड़ेंगे। एंड मुर्गियों को क्या करूँ यार, वही सोच रहा हूँ यार, मेरे पास एक्स्ट्रा खाली ट्रेलर है क्या, हाँ है तो, और इतने सारे पंपकिन, इसका भी कुछ प्लान आउट कर रहा हूँ मैं यार, अब देखते क्या कर सकते इसका, मैं बहुत अच्छा कुछ यू नो डेकोरेशन के हिसाब से सोच रहा हूँ कि उसको मैं प्लान आउट करूँ, तो वैसा ही कुछ मैं घर के आजू बाजू करने वाला हूँ। तो चलो एक काम करते हैं फटाफट से जाके सो जाते हैं, सुबह उठते हैं एंड देन आके की प्रोसेस करते हैं। ऑलराइट गाइस गुड मॉर्निंग हो चुका है और फिर से सुबह, भाई क्या तो कचरे टाइप की सुबह यार, इतना गंदा सुबह कैसे हो सकता है यार, बारिश हो रही है, मेरे को लगा रात भर में बारिश कम हो जाएगी, नहीं हुई। पहले मैं घोड़ा चेक कर लूं, भाई मेरे को घोड़े से बहुत डर लग रहा है, लेकिन घोड़े को कल एक मिनट ये मर गया क्या, चलो ये भी खत्म हो गया भाई, चलो कुछ तो खत्म हुए, इसको थोड़ा सा ट्रेन कर देते, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एक काम करते इसको धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, एक काम करते इसको सीधा रखते, इसको सीधा रखो एंड इसको दौड़ाओ और जैसे ही दौड़ेगा और इसका कुदा दो, ये एक प्लस हो गया। चलो गाइस अब चलते हैं पुताई करने के लिए, अब क्या करें, एक सुअर और बाहर निकल गया, ये बाहर कैसे आ गया गाइस, ये बाहर कैसे आ रहे हैं कोई बताएगा मेरे को, अब जो चल रहा चलने दो भाई, अब लैग इसलिए हो रहा है कि बकरी और मुर्गियां बहुत ज्यादा हो चुके हैं भाई, एक 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 दिक्कत खत्म नहीं होती दूसरी दिक्कत, चलो देखो लैग चालू हो गया, कितने मुर्गियों ने बच्चा दिया होगा भगवान ही जाने यार। चलो भाई अब सीलिंग को पेंट करने का समय आ चुका है, ये ब्लू सीलिंग रहेंगे पूरे के पूरे, फ्लोर चाहिए था मेरे को ब्लू, पूरा फ्लोर ब्लू चाहिए था मेरे को, अरे यार, और जो रूफ चाहिए था वो रेड चाहिए था और बीच का व्हाइट चाहिए था, यार मेरे से ये गड़बड़ कैसे हो सकती है यार, ये गड़बड़ कैसे हो सकती है, फ्लोर चाहिए था ब्लू, यस फ्लोर चाहिए था ब्लू, मैं कैसे गड़बड़ कर सकता हूँ यार आज। अब वेदर थोड़ा सा साफ हुआ, एटलीस्ट थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है, फटाफट से फ्लोर को रेडी कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं इसको रेडी, टेन, चलो ये भी फ्लोर हो चुका है एंड ऊपर भी चलते हैं एंड इस वाले फ्लोर को, एक मिनट मैं फ्लोर तो कर रहा हूँ, मेरे को ये वाले फ्लोर भी तो करने पड़ेंगे,
अरे साहब ये तो भूल ही गया। चलो फिर तो पेंट और लगेगा, ये तो कम पेंट है मेरे पास। ब्लू अभी तो ये बहुत अच्छा टर्न होगा, अभी तो क्या ब्लू दिख रहा है, अब रेड भी दिखेगा इसमें। चलो गाइस ऊपर चलते हैं, ऊपर का फ्लोर कंप्लीट करें सबसे पहले, तो छत को एकदम बढ़िया मक्खन बना देते हैं इसको। टन हो चुका है ये भी हो चुका है, 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 ये भी हो चुका है। चलो गाइस ये पूरा हो चुका है, एंड यहाँ पे चलते हैं थोड़ा फ्लोरिंग का इधर भी काम कर देते हैं। 1 2 3 4 मैं रेड लेकर आया था ना, रेड का तो काम है यार, रेड का तो बहुत सारा काम है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना पेंट कम ना पड़ जाए, बाकी सब तो ठीक है। ब्लू एक काम करता हूँ, ब्लू लेके चलते, रुक जाओ भाई मैं बहुत बड़ा ढक्कन हूँ यार, फिर गलती कर दी। एक्चुअल में तो क्या है ये ब्लैक ही रखना है मेरे को, ऊपर रेड ये ब्लू, अरे यार फिर गड़बड़ हो गई। चलो फिलहाल तो अभी फ्लोर का काम तो हो गया, फ्लोर सब जगह हो चुका है, फ्लोर का अब टेंशन नहीं है, फ्लोर छोड़ देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ अब ये वाला पेंट की जरूरत नहीं है, इसको साइड रख देते अपन। ब्लैक है कितना मेरे पास, ब्लैक एक ही डब्बा पड़ा हुआ है, ज्यादा है नहीं, ब्लैक लाना पड़ेगा गाइस मेरे को। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो होता रहता है अपने साथ। ओह मेरे को ना ढेर सारा ब्लैक खरीद के लाना है, ब्लैक ब्लू एंड रेड 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 ये है, तो इससे जितना हो सकता है उतना काम अपन कंप्लीट तो कर दे एटलीस्ट। मैं तो चिल्ला चिल्ला के गला दुखने लगा गाइस, बहुत ज्यादा गला दुख रहा है, बट काम तो करना ही करना है। चलो ये भी हो चुका है, नीचे लो फ्लोर पे चलते हैं। मेरे को है ना इसमें ये दिक्कत नहीं हो रही कि ये ऐसा है वैसा है। एक मिनट, मैंने नीचे और क्या क्या करा था, क्योंकि हम पूरा बिल्डिंग को सेम ही रखने वाले हैं, ज्यादा को मतलब चेंजेस नहीं करने वाले हैं। एक काम करते हैं मैं सारे के सारे पेंट है ना यहाँ रख देता हूँ, व्हाइट तो बाहर रहेगा, ब्लू मैं अंदर ले जाता हूँ, ब्लू की जरूरत तो नहीं है यार अभी। चलो फिल भी रख देते हैं एंड रेड भी यहाँ पे रख देता हूँ, एंड ये भी रेड अपन ले चलते हैं, सारे के सारे रेड रख देते हैं, जितना हो सकता है उतना काम तो मैं कंप्लीट कर ही दूं। इधर का शायद रेड हो चुका है, हाँ रेड संभल के करना पड़ेगा गाइस, मेरे को हर चीज हिसाब से करना पड़ेगा। चलो ये तो रेड कम्प्लीट हो चुका है, ऊपर चलते ऊपर वाले रेड अपन कम्प्लीट करते फटाफट से गाइस। ऑलराइट गाइस हम ऊपर वाले फ्लोर पे भी आ चुके हैं, इसका भी हम रेड एक मिनट रेड कंप्लीट कर देते हैं। गाइस इसमें बहुत टाइम लगने वाला, गाइस मैं तो मजाक समझ रहा था इसको, फिर जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा और फिर रेड लेकर आना पड़ेगा। इतना एक्स्ट्रा एक्टिविटी है यार, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। चलो गाइस इसको तो कंप्लीट तो करें, अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। इसको भी रेडी करो, इसको भी रेडी करो, इसको भी रेडी करो, इसको भी रेडी करो। मेरे को शायद अब नहीं लगेगा, मैं इसलिए मल्टीपल गेट रखा, कहीं से भी जा सकते। एक काम करते ऊपर वाले फ्लोर पे, ये तो छत ही है ना अपना, मैंने नीचे का किया ना, ये तो अपना रेडी जाएगा ना। लेकिन चलो गाइस ये तो हो चुका कंप्लीट, अब मेरे को चाहिए व्हाइट कलर बहुत सारा। एक मिनट, फ्लोरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई गाइस, फ्लोरिंग मेरे को ब्लैक करना है, तो वो अपन चलो अपन नीचे चलते हैं। नीचे जाके इधर एक मिनट, यहाँ पे मैंने रेड नहीं लगाया, ओ यहाँ पर रेड छूट गया गाइस, रुक जाओ इधर भी लगा देते फटाफट से। पे रेड खत्म हो गया भाई, रुक जाओ गाइस रेड लेकर आता हूँ मैं, मेरे को लाना ही पड़ेगा। अरे यार पता है मैंने ना गलती कर दी, थोड़ा सा ऐसा स्पेस बना के रखना चाहिए था जहां से मैं बाहर अंदर कर पाऊँ। 8 ही बचे, चलो ब्लैक तो कर दो कम्प्लीट, नीचे का तो नहीं ऊपर का फ्लोर तो कर दू, नहीं है ना कम्प्लीट। देखो यहाँ पे ब्लैक और लाना पड़ेगा मेरे को, यार ब्लैक की तो बड़ी कमी हो रही है यार, मेरे को मार्केट जाना पड़ेगा इससे अच्छा तो। एक काम कर दो, ब्लू की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ब्लू का काम खत्म हो चुका है, व्हाइट का काम बचा है, तो एक काम करते जितना व्हाइट बचा है व्हाइट लगा देता हूँ मैं। इधर का काम तो कंप्लीट कर दो, जितना व्हाइट है मेरे पास फिलहाल उतना तो लगा दूं, शायद मेरे पास थोड़े बहुत व्हाइट रखे हैं, तो देख लेते उसको भी अपन कंप्लीट कर देते फटाफट से। वाओ दिस लुक्स सो यम यार, क्या प्यारा कलर है यार। चिट यार देखो ऊपर लग नहीं पा रहा, उसके लिए मैं पता नहीं क्या करूंगा यार, वही सोच रहा हूँ मैं क्या ला के लगा उसको, वही सोच रहा हूँ। बस ऊपर दो फ्लोर की दिक्कत आ रही है मेरे को, बस दो फ्लोर की। चलो जितना पेंट है फिलहाल इतना तो लगा दूं, जितना है उतना तो कर दूं, और हाँ दीवार भी तो व्हाइट करना है, तो एक काम करते दीवार व्हाइट कर देते। चलो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो समझते जो होगा देखा जाएगा। फ्लोर होगा सिर्फ ब्लू एंड बाकी सब रेड ब्लैक एंड व्हाइट। अब पहले देख लूं मेरे पास क्या रखा है, भाई बहुत लैग हो रहा है यार, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। चलो गाइस देखते हैं, ग्रीन कलर है, ब्लैक रखा है थोड़ा सा, एक काम करते हैं ब्लू की जरूरत है नहीं, ब्लू को साइड रखते हैं। रेड का एक डब्बा पड़ा हुआ है, तो एक डब्बा रेड ले लेते हैं और ब्लैक अपन ले लेते हैं फिलहाल तो। यहाँ पे जितनी चीजें ना अभी फिलहाल तो कम्प्लीट कर दे, उसके बाद जो भी चीज बचेगा वो अपन लेकर आएंगे, फिलहाल तो अभी चलते हैं इसको कंप्लीट करें। खाने देखना नहीं है, खाना तो भाई भर भर के, मुर्गियां मर गई तो मर गई, को टेंशन वाली बात नहीं, उसको हम भेज देंगे लगेगा तो। एंड यहाँ पे भी ब्लैक करा है, ये ब्लैक एंड ये ब्लैक, ठीक है यहाँ पे ये ब्लैक करना। अरे इसका बोर्ड का वो नहीं होगा, ई टू चेंज द टेक्स्ट कलर, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज द टेक्स्ट कलर बट आई वॉन्ट टू चेंज द बोर्ड कलर, सो कैसे कर सकते हैं। वेट तो फिर मैंने कौन से फ्लोर पे ब्लैक लगाया, पता फर्स्ट फ्लोर हमेशा ही मेरा स्किप हो रहा है, मेरा बनाया उसका सीढ़ी ऐसा है ना। चलो ये हो गया, और गेट भी ब्लैक करने है मेरे को, और ये वाला गेट भी कहा गया, ये शायद व्हाइट कर दिया था मैंने गलती से। चलो गाइस ये भी हो गया, अच्छा ये भी तो ब्लैक करना है, चुप ये बाद में कर देंगे। एंड
ऊपर चलते हैं, कुछ बचा है तो उसको भी ब्लैक कर देखो। ये वाला फ्लोर मैंने कर दिया, नीचे वाला फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर मेरे से स्किप हो गया था। कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी कंप्लीटेड। ओ यहाँ पे भी अपने को एक ब्लैक करना, खत्म, ब्लैक खत्म हो गया। चलो और क्या बचा, रेड बचा शायद, मैं क्या लेकर आया था मैं, हाँ नहीं ब्लैक है तो यार एक दस का डब्बा और है मेरे पास, वो तो गया होगा। हाँ ये हो गया रे, क्या मैं भी कर रहा हूँ। चलो गाइस ऊपर वाले फ्लोर पे चलते, ऊपर वाला फ्लोर भी हो गया, मेरे को लास्ट फ्लोर पे जाना है। एक काम करते है, क्या फ्लोर हुआ नहीं हुआ, एक काम करो सब, हाँ हो गया हो गया हो गया, मेरे को लगा कि गेट खुला नहीं है, ये भी हो चुका है। चलो गाइस ऊपर चलते हैं, एंड ऊपर वाला, अरे यार इसमें बहुत ब्लैक कलर लगने वाला है, बहुत ज्यादा। एक दो तीन, एक मिनट, ये से, हाँ ठीक है ये सही है, मेरे को लगा मैंने कुछ गड़बड़ की है। चलो गाइस मेरे पास जितना कलर थे मैंने सब कुछ यूज कर लिया, रेड बचा है, रेड का भी यूटिलाइजेशन कर लेते क्योंकि ऊपर का अपने को बनाना है। इधर, हाँ इधर हो चुका है गाइस, इधर हो चुका है, ऊपर चलते हैं। एक बार इधर चले जाओ ना, इधर समझ में आ जाएगा, अगर इधर कंप्लीट हो चुका है ना तो अपने को सीधे ऊपर वाले पे चलना है। तो ये भी हो चुका है, रेड पे तो कुछ करना ही नहीं मेरे को, रेड का सिर्फ और सिर्फ विंडो पे अब अंडरलाइन के लिए लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, बाकी सब तो हो चुका है। रेड, ओ रेड इसके लिए चाहिए था मेरे को, ओके नाउ आई गॉट इट। मैं वही सोचू रेड कहीं तो मिस हो रहा है, इसके लिए चाहिए। ऑलराइट गाइस ये वाला भी रूम हो चुका है कंप्लीट, एंड इसके ऊपर वाले रूम पे भी चलते हैं फटाफट से, इसके भी जितने सीलिंग्स हो जाए उतने सीलिंग कर देते हैं। एक दो तीन, ये हो चुका है, ये वाला हो चुका है, और हाँ इधर वाले भी अपने को करने हैं, तो एक काम करते हैं नीचे चलते हैं। हाँ सारे सीलिंग हुआ गाइस, चलो इसका तो काम खत्म हो चुका है, अब रेड वाले का आखिरी में जो यू नो अंडरलाइन वाला सिस्टम है ना उसको कंप्लीट करना है, बाकी सब तो हो चुका है। चलो गाइस अब लेकर आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ये दो कलर की अभी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है मेरे को। अब रहा है गेम खतरनाक वाला लैग, कितने दिन बाद जाके हम हार्डवेयर स्टोर जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, काफी समय से हम हार्डवेयर स्टोर के दर्शन नहीं करे, बट आज फाइनली जा रहे हैं क्योंकि हमको कुछ पेंट के डब्बे लेकर आने हैं। चलो गाइस चलते हैं और पेंट के डब्बे लेकर आते हैं। ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने हार्डवेयर स्टोर, और मेरे को सीधा गाड़ी अंदर ही डालना है, मैं सिर्फ और सिर्फ पेंट लेना है, बाकी सारी चीज तो मेरे पास है ही, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। व्हाइट ज्यादा चाहिए मेरे को, व्हाइट की ज्यादा रिक्वायरमेंट, रेड की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड ब्लैक की रिक्वायरमेंट है, तो ब्लैक भी मैं सेव ही कर देता हूँ ना, जितना हो सकता सेव कर देते हैं। इतना ही का है यार, कितने $40 का आता है ना, हाँ $40 के ही है रे पेंट, ये बहुत बहुत सस्ते मिल जाते हैं। चलो हो चुका है अपन ब्लैक कलर, ब्लैक तो क्या ब्राइटनेस को ये हो चुका है, चलो ब्लैक कलर इसको सेव कर देता हूँ, मैं काम करता हूँ। इसको भी खरीद लेते, कुछ ज्यादा ही चाहिए मेरे को इसको, क्योंकि विंडोज पे लगाना है तो विंडोज में ज्यादा लगता है, दो जगह है विंडोज और दरवाजे दोनों ही बचे हुए, इनको जनरेट करके फिर निकलते हैं अपने रेंच में। चलो इतना तो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से भाई, या तो भंडारा लग गया। व्हाइट को अलग ले चलते हैं जिससे मेरे को बाइफर्केशन करने में इजी हो, दूर से समझ में आ जाएगी कौन सा डब्बा कहाँ पर है। ओ मिनट, ये ब्लैक है इसको इधर रखने का है। चलो गाइस इसको भी यहाँ रख देते हैं, एंड ब्लैक को इधर रख देते हैं, एंड व्हाइट को इधर रख देते हैं, स्टैक हो जाता है सबसे अच्छी चीज। अरे ये ब्लैक है, हेलो ये ब्लैक, ये व्हाइट है भाई, ये ब्लैक व्हाइट में क्या क्या कोचा है भाई, ये भी चलो मेरे दिमाग के साथ खेल रही है, व्हाइट है चलो इतना मेरे हिसाब से सही है, अगर कम पड़ गया ना फिर आना पड़ेगा। वैसे तो सेव करके रखा है, टाइम नहीं लगेगा मेरे को, बस जनरेट करना है हो जाएगा। एक मिनट मैं अटक गया क्या, ओ मैं वही बोलू मैं हिल को नहीं पा रहा, और ब्लैक को ज्यादा नहीं कर दिया मैंने, नहीं नहीं व्हाइट है अंदर, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट भी है अपने पास। नहीं भाई रेड ले चलते, भाई रेड के साथ नुकसान नहीं, चलो रेड को थोड़ा सा अपलोड करते हैं। अरे मैं भूल गया था मेरे को अंडरलाइनिंग भी करने के लिए जरूरत है, अरे यार पता है वो भी मैं भूल गया था, चलो अभी तो फिलहाल तो लगा देते इसको। यार मुर्गियों का समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, उनकी भी तादाद अचानक से बहुत बढ़ने लगी है। चलो गाइस ये भी कंप्लीट हो चुका है, एंड लेट्स गो टू आवर रेंच। यार पता है ना मुर्गियों का मेरे को कुछ ना कुछ का। भाई ये लैग इसलिए हो रहा है मुर्गियों के कारण, मैं समझ चुका हूँ इसका भाई ठिकाना लगाना ही पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। बकरियों की तादाद तो बढ़ चुकी है और बकरियों को भी खत्म करना है, बट किसी ने बोला था कि जिंदा बकरी के ज्यादा पैसे मिलते हैं रेदर जो यू नो बकरियों के मीट, क्योंकि बकरियों के मीट के जो प्राइस है ना वो आते नहीं है। रुक जाओ मैं एक बार चेक तो कर लूँ, भाई बहुत लैग हो रहा है यार, यही चीज तो नहीं पसंद मेरे को। गोट मीट बिकता है कि नहीं बिकता, अच्छा ये तो डब्बे यही रखे मेरे हैं, रुक जाओ ये डब्बे भी लेके चले जाते। गोट मीट आता ही नहीं है, पोर्क और चिकन सॉसेजेस ही आते, बकवास चीजें ही आती है, आए है तो पूरा लेके चलते हैं क्योंकि इसका काम तो पड़ ही जाएगा मेरे को बाद में। भाई ये मुर्गियों के कारण बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, और ऊपर से डब्बे इतने सारे, कितना सारा रैम है, कितना बड़ा ग्राफिक कार्ड है, फिर भी नहीं चल रहा। वैसे तो उस कुक के अंदर है ना 40 से ज्यादा नहीं आते, भाई कितना लैग हो रहा है यार। मैं तो अभी के अभी मैं सोच रहा हूँ सारे का सारा ट्रोला में भर दूं, फिलहाल तो अभी यहाँ गाड़ी यहाँ लगा दे। भाई क्या तो फ्रेम ड्रॉप हो रहा है यार, भाई इन सबको मेरे को खत्म करना पड़ेगा गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आना। अच्छा ब्लैक में पूरा लगा देता हूँ, ब्लैक कंप्लीट कर देते हैं, एक काम करते हैं ब्लैक पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। अभी मैंने साफ सफाई करी थी यार, इतने सारे मुर्गियों को साइड करके फिर सोने लगे, बट अर्निंग भी अच्छा देते हैं ऐसा नहीं है, मैं लाया कुछ था और बहुत ज़्यादा उन लोग पैसे जनरेट करके दे रहे हैं मेरे को, और मेरा काम हो जाओ। एक मिनट जस्ट अ मिनट, मैं बस इसको गाड़ी को रिवर्स करके लगा देता हूँ, और दो गेट इसलिए रखे मैंने कि पीछे वाले गेट से जाऊँगा और वहाँ से काम कर लूँगा, ऐसा थोड़ी।
चलो गाइस, चलो रेड रेड रेड, ये देखो ये अंडरलाइन रह गया ना एक। अच्छा बाहर से इसको, एक मिनट, मैं समझा नहीं, मैं बाहर से ये रेड कर चुका हूँ तो मेरे को अंदर से भी रेड करना है। ये मैं अंदर से रेड करूँ? अबे ये तो भाई कट टू कट काम करना पड़ेगा गाइस। नहीं यार, यही नहीं चाह रहा था मैं यार, ये कट टू कट काम ना हो पाएगा मेरे से भाई। एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही रखना पड़ेगा और फिर ये करना पड़ेगा। ये कैसे काम करूंगा मैं? चलो वाइट लेते हैं, ये वाला तो खत्म करूँ मैं, ये नीचे वाला फ्लोर तो खत्म करूँ। ऑलराइट गाइस, नीचे वाला फ्लोर अपना अब हो चुका है रेडी। एंड दैट्स इट। भाई वाइट पहले करते हैं, वाइट करने में जो मजा आ रहा है ना। फाइनली वाइट हो चुका है, बाद में रेड एंड ब्लैक पे ध्यान देंगे, अभी तो फिलहाल वाइट पे ध्यान देते हैं। भाई मैं तो सोच रहा मुर्गियों का फीडर बंद कर दूँ, लेकिन यार मरी हुई मुर्गी को उतना पैसा नहीं मिलता यार। तुम लोग सही बोल रहे थे उस दिन, और वैसे भी मैंने चेक भी किया है, मरी हुई मुर्गी का उतना कुछ पैसा नहीं मिलता जितना जिंदे मुर्गी का। हमको $50 मिलता है गाइस, $50 बहुत पैसा मिलता है गाइस। चलो ये भी हो चुका है, इसको भी करते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। भाई बहुत सारा काम है यार यहाँ तो, अभी टेंशन खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंप्लीट, और ऊपर चलते हैं, ऊपर का ये एक कंप्लीट, ये लगभग तो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, बाहर जाके बाहर की दीवारों को कंप्लीट करना है। 1 2 3 माँ कसम क्या तो घर बन रहा है यार, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इतने से घर के लिए। इसको भी, अरे यार इसको भी तो करना है, मैं कैसे भूल गया, वेट इसको भी कंप्लीट करना है। रुक जाओ गाइस, इसको भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। भाई पेंट तो ऐसा पी रहा है ना ये घर, ऐसा पी रहा है ना, क्या बोलूं मैं तुमको यार। चलो ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये इसको भी लगा देते हैं, इसको भी लगा देते। भाई मैं थक गया यार पेंट करते करते। गाइस इसको कंप्लीट करता हूँ फिर मिलता आप लोग से, यार मैं तो पागल हो जाऊंगा बोलते बोलते नहीं तो है। ऑलराइट गाइस, अभी के टाइम के लिए मैंने सारे की जगह वाइट तो कर दिया है, अब मेरे पास थोड़े बहुत वाइट का बाहर का काम बचा है। बट अभी हो चुकी है रात और मेरे को जाना है सोने के लिए, सो के उठ के फिर सुबह उठ के अपन काम करेंगे। फिलहाल तो अभी सारे डब्बे रख देते और चलते पहले सोने के लिए, और सुबह उठते फिर काम करते। लास्ट एपिसोड में मेरे को 3 दिन लगे थे इसको काम कंप्लीट करने में, आज का दिन भी पूरा लग चुका है और यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा चीज बन चुका है, मेरे को इसको भी निकालना है। और राइट गाइस, सुबह हो चुकी है और मेरे को है ना एक ब्लू कलर भी लेके जाना है, क्योंकि कहीं पे एक जगह है ना ब्लू कलर का थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, तो भरा हुआ लेके चलेंगे 10-20 याला लेके चलते। बाकी तो कलर सारे के सारे वहाँ पे रखे हुए, तो उसका टेंशन नहीं है। बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, यहाँ पे खाना ही नहीं है, मेरे को लग ही रहा था कल दिन भर काम करने के बाद खाना बचा ही नहीं ना यहाँ पे, दिक्कत तो ये। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कल मुर्गियाँ उठेगी और कुछ नहीं होगा, यहाँ पे खाना नहीं जाएगा। चलो गाइस पहले तो एक काम करते हैं, सुअर वाले एरिया पे जाके खाना दे देते। वैसे सुअर खाए ना खाए मर जाए कोई मतलब नहीं है, बट इधर वाले जो जानवर है मेरे उनको तो बचाना जरूरी है। भाई वर्ड्स ही खत्म हो गए मेरे पास यार, चलो गाइस एक काम करते इसको। अच्छा ब्लू वाला कलर कहीं कहीं जगह पे दिक्कत हो गया है, फ्लोरिंग पे अंदर वाले फ्लोरिंग पे कहीं तो दिक्कत है। यहाँ पे आइए, यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ पे तो हो चुका है। ब्लू कलर एक जगह पे दिक्कत आई थी, बाकी सब जगह तो टेंशन फ्री हो गए। अब ब्लैक कलर की रिक्वायरमेंट चालू हो गई है, ब्लैक कलर यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं। और अच्छा विंडोज पे करना है ना सिर्फ और सिर्फ अपने को, तो ये वाला तो कंप्लीट है अपना, यहाँ पे तो टेंशन नहीं है। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, चलो ये वाले फ्लोर पे चलते हैं एंड इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। इधर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। एक बार मैं नीचे वाला देख लेता हूँ, मेरे को लगता है शायद अंदर से किया है, बाहर से नहीं किया मैंने, शायद बाहर से किया नहीं किया, बाहर से भी कर दिया। चलो ये भी हो चुका है, साथ फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ ना, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड फ्लोर के अपन ने विंडोज ब्लैक कर दिया। थर्ड फ्लोर चलते हैं, थर्ड फ्लोर पे जाके अपने को गेट्स पहले पेंट करना है, और उसके बाद अपने को विंडोज पेंट करना है। ये भी विंडोज पेंट कर देते हैं, इसके ऊपर वाले में लगेगा नहीं, इसके भी ऊपर वाले में यहाँ पे लगेगा। चलो ये भी हो चुका है, गेट्स को कर देते पेंट, ये भी हो चुका है, बाहर से सारे पेंट कर देता हूँ। एक मिनट, ऊपर रेड कलर, अच्छा वो तो अभी लेकर आना है मेरे को, रुक जाओ। रेड कलर भी रखे हुए, वो तो बाद के बाद समझेंगे। और ये फ्लोर ब्लैक करना है ना आई थिंक, लेट मी चेक, हाँ ये वाला पूरा ब्लैक करना है, ये फ्लोर। एक मिनट, व्हाइट कलर यहाँ पे कम पड़ गया, रुक जाओ मैं सब जगह चेक करना पड़ेगा पता है, खत्म करने से पहले काम। चलो एक काम करते हैं, एक व्हाइट बाद में कर दूंगा, पहले ब्लैक लिया तो ब्लैक को कंप्लीट करा जाए। ब्लैक आ गया, हाँ ये रहा ब्लैक। चलो गाइस ब्लैक का पूरा यूटिलाइजेशन किया जाए, फटाफट से काम कंप्लीट करें। 2-3 रेड, देखो रेड की भी कमी, ऊपर रेड नहीं किया मैंने अभी तक, उसको भी करना है रेड। यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे शायद हो चुका सब कुछ, याला विंडो रह चुका है, तो याला विंडो पे भी अपन कर देते हैं और चलते हैं अब अपन लास्ट फ्लोर पे, और इसके नीचे भी चलते हैं और एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं, वो भी टोटली ब्लैक होना चाहिए। चलो गाइस यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे भी टोटली ब्लैक, ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा। ब्लैक का जो काम था वो खत्म हो चुका है, अब हमारे पास आएगा रेड का काम। अब रेड लेके चलते हैं,
और एक जगह व्हाइट की रिक्वायरमेंट है, तो रेड यहाँ पे रख देते हैं, रेड लेके चलते हैं गाइस फटाफट से। अब रेड अपने को भाई बहुत सावधानी से लगाना पड़ेगा, एक गलती और पूरा काम खत्म। चलो ये एक रेड, बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। ये मतलब वो बोला था ना, एक गड़बड़ और एक गड़बड़, एकदम पॉइंट टू पॉइंट करके ऐसा कलर करना पड़ रहा मेरे को, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, समझ रहे हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अरे ये बाहर से भी तो करना है, मैं अंदर ही अंदर से करके चला जा रहा हूँ। एक मिनट, ये छत का काम है, बोला ना एक जगह छत का काम नहीं हुआ है। एक काम करते ना, यहाँ पे कहीं पे शायद बाहर का नहीं हुआ है, ये देखो बाहर का नहीं हुआ, तो इधर ही रेड लगा देता हूँ गाइस फटाफट से। अब मैं बाकी रेड और कलर और ले आता हूँ। भाई लैग हो रहा है यार, पता है चिड़ मच रही है मेरे को ना, कभी कभी ना काम करने में मन लगता है और कभी कभी ऐसा लगता है ना ये चीज से चिड़ मचती, वो लैग ही एक ऐसी चीज है। एक तो बड़ी मुश्किल से काम करो, ऊपर से भी साला ये लैग, बहुत चिड़ मचती है। कभी कभी तो इतना गाली बकने का मन करता है ना, बस ये है कि भाई वीडियो में गाली बकने का मन नहीं करता, नहीं तो मैं सच में बता रहा हूँ आज गाली बक देता है। एक तो इतना लैग, हर चीज को कितना ही लिमिट करो यार, दूसरे काम करने जाओ तो उतने में लग जाती है यार। इनको समझना चाहिए यार गेम वालों को, कुछ भी बनाते हैं लोग। ऐसे वाला फ्लोर भी कम्प्लीट हो चुका है, चलते इसके ऊपर वाले फ्लोर में। भाई सब जगह मेरे को 50 बार देखना पड़ेगा, 50 बार। अब मेरे को ना लास्ट देखना पड़ेगा सब जगह। ये एक फ्लोर नीचे आ गए, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे ये कम्प्लीट हो चुका है, ये कम्प्लीट हो चुका है, ये कम्प्लीट हो चुका है। चलो भाई सब नीचे चलते हैं एंड नीचे वाले पे देखते क्या कहानी है। एक मिनट, यही तो है नीचे वाला, यहाँ पे भी ओके एक रेड हो चुका है, तो ब्लैक लेकर आना है मेरे को। एंड यहाँ पे फ्लोरिंग हो चुकी है, छत का काम भी हो चुका है एंड यहाँ पे सारे लाइट्स लग चुके हैं। एक मिनट, विंडोज पे नहीं लगे हैं, तो विंडोज पे अपन ये कंप्लीट कर देते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, सब जगह दिमाग लगा के काम करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है मेरे को, कहीं से कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। ऑलराइट गाइस, सारे के सारे काम अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ब्लैक मेरे को लाइट्स पे भी करना है, बहुत समय से मैंने नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ गाइस, अभी तो बाहर वाला हिस्सा पूरा बचा है। चलो ये तो काम हो चुका है, इतना हो चुका है। अब एक काम करते, एक बार निरीक्षण कर लेते, और ये जो ये है ना, इसको ब्लैक एंड और क्या चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे छत का काम नहीं हुआ। अबे छत का काम कुछ कुछ जगह पे हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। चलो सीढ़ियों को तो सारा काम हो चुका है, अब मेरे को रेड कलर लाना है। मैं अभी सोच रहा था कि काम कंप्लीट हो चुका है, नहीं, काम ऐसे थोड़ी कंप्लीट होता है, हमको जब तक सताएंगे नहीं गेम वाले तब तक कहाँ से काम कंप्लीट होगा। यहाँ पे रेड हो चुका है, यहाँ पे भी रेड हो चुका है। चलो गाइस ये तो पूरा हो चुका है, अब मैं एक बार है ना पूरा एक चक्कर लगा के आता हूँ। ये अपना ग्राउंड फ्लोर है, सब जगह लाइट लग चुकी है, यहाँ पे लाइट लग चुकी है। ये अपना फर्स्ट फ्लोर है, दरवाजा पेंटेड है, ऊपर पेंटेड है, ये खिड़की के अंडरलाइन पेंटेड है, ऊपर छत पेंटेड है, और इवन जो सारी चीज़ें वो सारी पेंटेड है, तो ये कंप्लीटेड है। लेट्स गो, अब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। इस फ्लोर पे गेट पेंटेड है, पूरी खिड़की पेंटेड है, ये गेट पेंटेड है, सारे दीवार पेंटेड है, छत पेंटेड है, याली छत पेंट है, पूरे फ्लोर पेंटेड है, साइड की बाउंड्रीज पेंटेड है। चलो ये भी कंप्लीटेड है, सारे खिड़कियाँ पेंटेड है, कोई टेंशन नहीं। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, यहाँ पे दीवार पेंटेड है एंड यहाँ पे खिड़कियाँ पेंटेड है, बाहर से अंदर से, अंदर से हो गया ओके। एक व्हाइट कलर की रिक्वायरमेंट है, छत से नीचे वाले फ्लोर के लिए एक व्हाइट पेंट चाहिए। यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड लेट्स गो इन दी टॉप फ्लोर। अब इसके बाद अपना ये टॉप फ्लोर आ जाता है, सारी चीज़ें पेंटेड है, सब कुछ पेंटेड है, सारी चीज़ें हो चुकी है। तो गाइस एक व्हाइट पेंट चाहिए, दैट्स इट। और मेरे को अब सिर्फ बाहर की पुताई करनी है और कुछ नहीं करना, उसके लिए लाना पड़ेगा मेरे को एक गाड़ी। गाइस फाइनली ये अपना हो चुका है, अंदर का पूरा काम तमाम, पूरा का पूरा अपन पेंट कर चुके, रिनोवेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलो भाई अब चलते फटाफट से अपन। एक मिनट, देखो यही होता है, अब है ना तादाद बढ़ गई ना, अब ये ग्लिच खा के सबके सब बाहर आएंगे और ये लोग पता नहीं यहाँ क्यों घूम रहे हैं। अब आ चुका है समय इन लोग का टाटा बाय बाय करने का, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब इनकी लगने वाली है। और हाँ, कुछ चीज़ें मेरे को करना था बट मेरे को देख लेता हूँ, गेम ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना बड़ा मैंने वीडियो बना दिया है। बट एनीवेज मैं कहाँ जा रहा था, हाँ अरे ट्रक लेने जा रहा था यार, मैं बातों बातों में इधर उधर हो गया। चलो गाइस ट्रक पे चलते हैं एंड ट्रक लेके चलते हैं, क्योंकि ट्रक पे खड़े रह के अपन काम कर पाएंगे। को ऐसे लगाते हैं, ऐसा लगा देते हैं। चलो गाइस इसको थोड़ा सा और ऐसा बस। चलो गाइस गाड़ी में बैठने का समय हो चुका है, अब इसमें चलते हैं अपन। तो गाड़ी पे चढ़िया, बस बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा चढ़िया बस गाइस, इतना ही चाहिए था अपने को। अब यहाँ से पुताई करो, नहीं यहाँ हो जाएगा, 1 2 3। अभी ये कैसे करूँ, मैं ज़्यादा गाड़ी दूर करती, अरे यार गाड़ी दूर करती मैंने यार, लगा के लगानी थी मेरे को। चलो गाइस यहाँ तो गाड़ी लगा दी है। भाई एक चीज़ बताओ, ये लोग घर इतने ऊपर तक बनाने की अनुमति दे रहे हैं, तो भाई इसको पेंट करने की भी अनुमति देनी चाहिए ना इनको। चलो इसको घुमा के लगाते, कोई दिक्कत। भाई कितनी बारिश हो रही है, आज का दिन भी निकल गया इसमें करते करते। और एक और पेंट बचा ना, उसको अपन पीछे वाले दिशाओं में रख देते, थोड़ा दिमाग लगा के अपन काम करेंगे तो हो जाएगा। चलो गाइस इसको भी यहाँ लगा देते हैं। गाइस चलो चालू करते हैं अपनी इधर की कहानी पेंट करने के। ओके चढ़ जा मेरे भाई। अरे मैं ऊपर से पेंट कर सकता हूँ यार गाइस, क्या यार मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ गाड़ी से करने का। ये देखो कितना सही तरीके से इसको पेंट कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई मेरे को। ये तो इजी है यार, इसमें तो थोड़ा बस पॉइंट करना है और ये हो जाएगा गाइस। इसको चलो फटाफट से फिर कंप्लीट करें यार, कहा है मैं दिमाग लगा रहा हूँ इतना।
ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ है ही नहीं इसमें, कहीं ना कहीं तो विंडो और ये लकड़ी तो मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिल जाएगी। चलो ये भी रेडी हो चुका है, ऊपर वाले में चलते गाइस, ऊपर वाले में इसका भी, अरे ये भी हो जाएगा। चलो गाइस इसको भी कंप्लीट कर देते, इसको भी कंप्लीट कर देते एंड इसको भी कंप्लीट कर देते एंड इसको भी कंप्लीट कर देते। और इतनी बारिश आज के दिन में तो इसको कंप्लीट करके रहूँगा, कैसे भी हो जाए इसको कंप्लीट तो करके रहूँगा। ऑलराइट गाइस ये भी हो चुका है, ये भी पेंट हो चुका है एंड ये भी चलो ये भी हो चुका है, इसको भी पेंट कर देते, इसको भी पेंट कर देते और इसको भी पेंट कर देते, इसको भी पेंट कर देते और इसको भी यहाँ से पेंट कर सकते शायद। ओह अरे सब तो पेंट होता है यार यहाँ से, हट दिमाग खराब कर दिया। सो गाइस फाइनली हमारा सारा का सारा पेंट का काम हो चुका है गाइस, पूरा का पूरा हमने पेंट कर दिया है। हम फोकट की गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, एक ये लाल डिब्बी ले जानी है, लाल बिंदी लगानी है एक जगह जाके, आई थिंक ये वाले पे, ये वाले पे लगाना है लाल बिंदी। बस यो बस हो चुका गाइस, दिस इज डन, दिस इज ऑल डन, मेरा काम हो चुका गाइस। अब ये घर अपना फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को पेंट्स वेंट सिर्फ साइड करनी है और कुछ नहीं करना, और ये इसकी पूरी पूरी पुताई हो चुकी है। लुक हाउ इट लुक्स मैन, दिस इज डैम क्रेजी। आई एम डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा, बट ठीक है अब हो चुका है हमारा घर का काम खत्म। अब थोड़ा सा अपने को क्या है ना, कुछ स्पेशल करने का सोच रहा हूँ, बट उसके लिए मैं देखता हूँ सामग्री अगर मिल जाए तो मैं ले आता हूँ। ऑलराइट गाइस अब हम पूरे पेंट को साइड कर देते हैं, अब पेंट का काम खत्म। वाह क्या लैग हो रहा है गाइस, क्या तो लैग हो रहा है, क्या तो मजेदार लैग हो रहा है, मजा आ गया। चलो ये है ब्लैक आई थिंक, तो इसको ब्लैक को इधर रख देते हैं। आई थिंक क्या होता है ब्लैक ही है भाई, यार कैसी बात कर रहा है तू यार, हैंग ब्रो तुमको हैंग हो चुका है, पूरा पूरा हैंग हो चुके हो। चलो गाइस ये हो चुका है, अपने को जाना है, गाड़ी पीछे कर भाई, गाड़ी पीछे कर, दिमाग खराब कर रहा है जब से यार, इतना दिमाग खराब कौन करता है। एक मिनट ये टंका इधर कैसे आ गया, अरे बैठना नहीं है ना मेरे भाई, इसको लगाने का है फिर गाड़ी स्टार्ट करने का है, तुम कुछ भी करते हो काम। अब ये बोलोगे पंकीम का क्या काम है, पंकीम का काम है गाइस कुछ तो काम है, कुछ अच्छा ही काम है, तभी तो मैं ले जा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे थोड़ी ले जाता किसी को भी। ऑलराइट गाइस हम पंपकिन लेकर आ चुके हैं, और ये पंपकिन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगने वाले, इस कारण से मैंने पंपकिन लेकर आया, समझ रहा हूँ यही एक कारण है कि मेरे को यहाँ पे पंपकिन लगाने हैं। देख रहा हूँ पंपकिन से यहाँ पे बाउंड्री बनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी यार, यहाँ पे नहीं लग रही है, अरे लगेगी यार कैसे नहीं लगेगी, पंपकिन तो अपन लगाएंगे, ये क्या थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा कर देगा इस जगह को, दिस इज हाउ इट लुक्स, समझ रहे हो, थोड़ा इनोवेटिव करने का मन कर रहा तो मैंने सोचा करो चलो कर देते, इनोवेटिव करना है तो करेंगे भाई, फिर तो अपन अपना दिमाग तो अपन लगाएंगे। तो फटाफट से काम करते हैं, इन सबको मैं लगा देता हूँ एक लाइन से, जिससे दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मस्त लगेंगे। ऑलराइट गाइस ये भी हो चुका है एंड ये भी हो चुका है, वाओ मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इतना ठीक है मेरे हिसाब से अभी के लिए ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज़ दूसरी सीरीज भी देखो, हम दूसरी चीज़ों पर भी मेहनत करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।